लेट्स कीप सॉल्विंग। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। तो 11th और 13th का आंसर क्या है? 11th और 13th का आंसर 1 और 12th का आंसर आया 3, राइट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे, राइट। अच्छा, ये 14 जबरदस्त क्वेश्चन है यार। ये क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है, ये शायद हम क्लास में भी डिस्कस किया है ना, यूजिंग इंटरवल वाला। उस वक्त उस लेक्चर में हमने डिस्कस किया। सो एनीवे, लेट्स रिकॉल द कांसेप्ट। रिमेंबर, सिंस इंटरवल इज गिवन टू अस और एक्सप्रेशन रूट के अंदर है, तो आपको हमेशा मॉड लगाना होगा। रिमेंबर, ऑलवेज कीप दिस इन माइंड, रूट एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज मॉड एक्स। वो एक्स पे डिपेंड करता है कि एक्स पॉजिटिव होता तो वैसे के वैसे खुलेगा, एक्स नेगेटिव होता तो माइनस एक्स होकर खुलेगा, ठीक है। एनीवे, थीटा लाइज इन दिस इंटरवल, माने इट्स इन सेकंड क्वाड्रेंट, एंड वी हैव रूट ओवर 2 cos प्लस 1 बाय sin स्क्वायर इज k माइनस cot थीटा। तो k क्या होना चाहिए? दिस इज द क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, तो पहली बात, ये ऑलरेडी cot में है और ये 1 बाय sin स्क्वायर है। सो cot के साथ, माने cot के साथ जनरली जो फॉर्मूले जो होते हैं, हम cosecant, इज इट, आई मीन cot के जितने भी रिलेशन है वो सारे cosecant के साथ है। सो क्लियरली 1 बाय sin स्क्वायर हैज टू बी 1 बाय sin स्क्वायर हैज टू बी cosecant स्क्वायर थीटा, इज इट। एंड मोर ओवर, ठीक है, cosecant स्क्वायर थीटा तो है, बट इसको हम cot में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? एग्जैक्टली। तो ये बेसिकली बनेगा 1 plus 2 cot थीटा plus cot स्क्वायर थीटा। कैसे? cosecant स्क्वायर थीटा की जगह 1 plus cot स्क्वायर थीटा। एंड डू वी सी एन आइडेंटिटी हियर? Isn't it obvious? A square plus 2a into b is 1 plus 1 plus square. तो ये clearly 1 plus cot theta का, इसे ऐसे क्वेश्चंस में usually interval दे रखा है और root के अंदर expression है, तो हमेशा हमेशा square होगा ही। And remember, यहाँ 1 plus cot theta, ये सही है कि गलत है? ये सही है कि गलत है? रूट और स्क्वायर कैंसिल, 1 प्लस cot theta, सही कि गलत? गलत, क्यों? वहां माइनस cot theta है ना। एनीवे, बट व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग इज कि रूट और स्क्वायर हमेशा कैंसिल नहीं होता। हाँ, यहाँ कांस्टेंट होता तो डायरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि ये पॉजिटिव है, लेकिन ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है हम नहीं जानते, तो आपको क्या करना होगा कि मॉड्यूलस लगाना होगा। अब आपको पता करना है कि ये क्वांटिटी पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो इस इंटरवल में देखो, याद है आपको cot x का ग्राफ नेगेटिव है ऑब्वियसली, क्योंकि लुक एट RHS माइनस cot theta, तो क्लियरली इसको नेगेटिव साइन लगेगा, तो माइनस वन माइनस ऑफ 1 प्लस cot theta। मैंने थोड़ा सा दिमाग यूज किया तो भी यू पता चल जाएगा कि k की वैल्यू है माइनस वन, देखो k इज इक्वल टू माइनस वन। So you can also check this by going for graphs. Remember, cot x के denominator में sine है, तो 0 and pi अपना asymptotes है, and remember cot हमेशा ऊपर से नीचे, तो pi by 2 पे cot 0 होता है और 3 pi by 4 पे cot minus 1 होता है, is it? So obviously 3 pi by 4 to pi के बीच में cot जो है graph नीचे जा रहा है, माने इसकी जो वैल्यू है वो माइनस वन से छोटा है, राइट। सो ऑलवेज मेक यूज ऑफ ग्राफ्स। एनीवे, ये नेगेटिव हो रहा करके हमने नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई किया, सो दैट दिस विल बी पॉजिटिव ना, राइट। सो अल्टीमेटली कम बैक टू k इज माइनस, ठीक है। अच्छा, 15 हम बाद में करेंगे, ये भी ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है, हम फंक्शन चैप्टर करने के बाद ये करेंगे, ठीक है। 15, आई लाइक टू राइट फंक्शन ऑफ दैट 15 के बाद। So let's look at question number 16 now. 16, non-trivial. Obviously, this is based on determinants, isn't it? जो recently हुआ है. So what do we have here? We have ये homogeneous है कि non-homogeneous है system of equations. Right, homogeneous. Is 0, minus x plus 4y plus 7z
इज जीरो, साइन थ्री थीटा एक्स प्लस कॉस टू थीटा वाई प्लस टू जेड इज जीरो, ठीक है। तो इट हैज नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, माने जीरो के अलावा और भी सॉल्यूशंस है। इसका मतलब वो भी डू रिमेंबर क्या कंडीशन बनेगा इसके लिए, और थीटा कौन सा इंटरवल में है, जीरो और पाई के बीच, तो क्या कंडीशन बनेगा इसका, एग्जैक्टली वेरी सिंपल कंडीशन, डेल्टा जीरो, एज सिंपल एज। तो यहां 1 3 7 माइनस 1 4 7 sin 3 थीटा cos 2 थीटा एंड दिस इज इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। ये देखो ये sin में है, ये cos में है, ठीक है। बिफोर वी डू दैट लेट्स सिंपलीफाई, कुछ ऐड वगैरह करेंगे, फर्स्ट उसमें को ऐड करें तो ये जीरो हो जाएगा, ओके लेट्स गो फॉर दिस, ये r1 बिकम्स r1 प्लस r2, तो ये जीरो हो जाएगा, 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 7 14, तो एक काम करेंगे 7 बाहर तो ये 1 और 2, एंड 7 बाहर और RHS में जीरो है, माने इट इज एज गुड एज जीरो। माइनस वन फोर सेवन साइन थ्री थीटा कॉस टू थीटा टू, इसको और सिंपलीफाई करेगा, इसको जीरो में कन्वर्ट करें, बड़ी से इसको टू से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट, बेटर है ना शायद से, है ना, क्योंकि ये वन है ये टू है, इट्स इमिटेशन। आर थ्री बिकम्स आर थ्री माइनस टू, सॉरी सॉरी सॉरी, सी थ्री बिकम्स सी थ्री माइनस टू सी, राइट। अच्छा ये क्या होगा, ये जीरो ये वन, इसको हमने इसका डबल से सब्ट्रैक्ट किया तो ये जीरो होता है, माइनस वन फोर डबल एट होगा, सेवन माइनस एट माइनस, ये साइन थ्री थीटा कॉस टू थीटा टू में से इसका डबल सब्ट्रैक्ट किया हमने, इज इक्वल टू जीरो। अच्छा ये देखो यहाँ पर एक फॉर्मूला बन रहा है, 2 times 1 minus cos 2 theta, sin भी बदल देना, ठीक। अब इसको expand करेंगे, minus 1 होता है इसका, ये गया, ये गया, इसका multiplication, minus into this, minus 1 into 2 minus 2 cos 2 theta, minus of इनका multiplication, plus sin 2 theta is 0। अच्छा ये minus 1 का कोई मतलब नहीं है, कि वैसे भी 0 to 0 है, और ये माइनस वन, इसमें से टू कॉमन निकलेगा, इसमें से जब टू कॉमन निकलेगा ब्रैकेट में क्या बचेगा, वन माइनस उसका क्या फॉर्मूला है, टू, और साइन थीटा का भी फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है साइन थीटा का, बी साइन थीटा माइनस फोर जीरो, तो ये माइनस फोर साइन स्क्वायर थीटा प्लस थ्री साइन थीटा माइनस फोर साइन क्यूब थीटा इज जीरो। ये अरेंज करें इसमें से, अच्छा कुछ कॉमन निकलेगा या साइन थीटा है तो माइनस साइन थीटा कॉमन निकलेगा इसे, तो ये बनेगा फोर साइन स्क्वायर थीटा और ये वाला प्लस फोर साइन थीटा और ये वाला प्लस सॉरी ये, ठीक है। तो इसका मतलब साइन थीटा जीरो, इसको फैक्टराइज किया तो क्या आएगा, माइनस ट्वेल्व सिक्स टू सर, तो ये होगा फोर साइन स्क्वायर प्लस सिक्स साइन माइनस ट्वेल्व माइनस टू साइन माइनस थ्री सी, तो इसमें से टू साइन थीटा कॉमन निकलेगा, टू साइन थीटा प्लस थ्री माइनस वन टू साइन थीटा प्लस जीरो। तो देखो जब ये कॉमन निकलेगा तो साइन थीटा की वैल्यू बनेगी माइनस टू थ्री बाई टू और दूसरा वन बाई, तो तीन वैल्यूज आए बेसिकली। अपना इंटरवल क्या है, क्लोज्ड जीरो टू पाई, राइट। नाउ दिस इज वेयर वी एनालाइज। अब ये देखो ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये ऑलरेडी कई बार आ चुका है ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चन वेयर वी हैव यू नो वेयर वी डील विद डिटरमिनेंट्स कांसेप्ट एज वेल एज ट्रिग्नोमेट्री। तो डिटरमिनेंट्स प्रॉपर्टीज यूज करके सिंपलीफाई किया, फिर हमने इसको एक्सपैंड किया, फिर ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज, अल्टीमेटली एक क्यूबिक इक्वेशन बना साइन में, लेकिन लकीली कॉन्स्टेंट टर्म नहीं था तो डायरेक्ट फैक्टराइज कर पाया हमने, और ये क्वाड्रेटिक को भी फैक्टराइज किया, तो तीन वैल्यूज निकले साइन के। इसमें से एक तो रिजेक्ट ही हो गया, ये तो रिजेक्ट हो गया,
ये क्यों रिजेक्ट हुआ? एग्जैक्टली, ये माइनस वन से छोटा है जबकि वो नहीं हो सकता। अच्छा, तो अल्टीमेटली साइन थीटा जीरो कब होगा? जीरो और पाई है ना उस इंटरवल में। और साइन वन बाय टू कब होता है? एक तो है पाई बाय सिक्स और दूसरा पाई पाई बाय सिक्स, इज इट? सो हाउ मेनी सॉल्यूशन फॉर दिस? फोर सॉल्यूशन, इज इट? यस, अरे राइट ऑप्शन इज मोर देन। एकदम टिपिकल क्वेश्चन है। ओके, सो लास्ट क्वेश्चन आई गेस ऑफ बिया। और ये 18 वाला नंबर ऑफ सॉल्यूशंस को हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के बाद करेंगे, ठीक है? 17 का है 1 अपॉन cos 285 डिग्रीज प्लस 1 अपॉन √3 sin 255। एकदम अजीब नंबर से ना, 75 होता क्या? ओके, ये कितना होता है? 360 माइनस, अरे हाँ ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो ये सीधा कॉस। ओके ओके, और ये वाला 180 प्लस, अच्छा तो ये माइनस होगा, माइनस साइन 75 सही है क्या? और शायद से कॉस 75 का डायरेक्ट रिजल्ट है cos 75, remember bigger angle तो cos छोटा हो जाता है, इसका क्या रिजल्ट था? root 3 minus 1 by 2 root 2, sin 75 बड़ा होता है, root 3 plus 1 by, सही क्या? Is it? ये ऊपर जाएगा, तो root 2 upon root 3 minus 1, ये वाला, इसके बाद क्या क्या हुआ? नीचे में तो रूत्री वगैरह नहीं है, है ना? अच्छा तो ये एडेड एंगल्स बेस था, ओके, दैट्स व्हाट आई वाज थिंकिंग, एकदम ऑड एंगल्स है करके। अच्छा, यहां क्या करें पहले रूत्री से, ये बड़ी से, अच्छा 2 √2 कॉमन, एक काम करेंगे रूत्री को वैसे के वैसे रखेंगे। अच्छा ऐसे नहीं कर सकते, नॉट डू दैट, शुड बी रैशनलाइज, शायद से रैशनलाइजिंग बेटर लगेगा, इसको अलग से इसको अलग से, तो 2 √2 तो कॉमन निकल गया, यहाँ हम मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे बाय रूट थ्री और यहाँ 2 √2 तो गया ऑलरेडी, रूट थ्री माइनस वन से और साथ साथ में रूट थ्री से भी करेंगे, राइट? अच्छा तो यहाँ नीचे क्या बचेगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, थ्री माइनस वन विच इज टू और यहाँ थ्री टू सा, सही है क्या? व्हाट इज कैन बी डन, एक काम कर लिया एक और 3, तो पूरा कॉमन डिनोमिनेटर हो जाए 2 √2, अब पूरा कॉमन डिनोमिनेटर 6 होगा और ऊपर की तरफ ये 3 √3 प्लस 3 माइनस 3 प्लस 3, सही है क्या? प्लस 3 माइनस 3 इज आंसर, ये 2 √2 इनटू 4 √3 अपॉन 6, 2 √3 सम, तो 4 √6 ऑप्शन है। अच्छा अच्छा √3 को नीचे रख दिया हमने, अच्छा तो 4 √2 इनटू 3 अपॉन 3 ये वाला है ना, 3 को लिख दिया √3 √3 एक √3 कैंसिल, तो 4 √2 अपॉन 3। दिस वाज नॉट अ डिफिकल्ट क्वेश्चन एट ऑल, is it? Okay, with this we finished BR, right? So let's start. Let's solve some of the advanced questions. As फटा फट है ना, जो easy questions है वो फटा फट कर। Now this was you know. ठीक है, हमें इसके लिए क्या है, ये 75 डिग्री के जो एंगल्स है वो याद होना चाहिए, है ना?
अगर वो याद होता तो दिस दिस वुड बी इजी, दिस वुड हैव बीन इजी क्वेश्चन. अच्छा, सो इफ यू लुक एट दी स्टैंडर्ड एंगल्स, व्हाट आर ऑल दी स्टैंडर्ड एंगल्स राइट नाउ? वी हैव एंगल्स फॉर 0 डिग्री, इज इट? एंड देन